हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोग को जैन शैली, अपभ्रंश शैली, पश्चिमी शैली के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, पाल शैली के बाद मध्यकाल में दूसरी इम्पोर्टेंट जो शैली है वो जैन शैली है। तो आइए हम जैन शैली के बारे में पढ़ते हैं। जैन शैली, जिसका और भी नाम है अपभ्रंश शैली, पश्चिमी शैली, इसका जो समय है 1100 से लेकर 1500 ईस्वी। जैन चित्रकला कहलाती है लघु चित्र। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? आनंद कुमार स्वामी। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं स्थिर और जकड़े हुए। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? कागज पर। भारत में जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? पश्चिम। अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? जैन। कल्पसूत्र किसकी रचना है? भद्रबाहु। ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप इसे याद रखें। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? अपभ्रंश शैली। यही क्वेश्चन बार बार जैन शैली से आता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। परली आंखें या परवल की तरह आंखें किस शैली की विशेषता है? अपभ्रंश। सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली की विशेषता है? जैन शैली। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखें। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? अपभ्रंश शैली। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पुस्तक में चित्रित हैं? कालकाचार्य कथा में। जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पर बने 15वीं शताब्दी में। भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ जैन शैली में। जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ निशीथ चूर्णी, जिसका समय है 1100 ईस्वी, ये तालपत्र पर चित्रित है, ताड़पत्र पर। त्रिषष्टि श्लाका पुरुष रचित, त्रिषष्टि श्लाका पुरुष चरित के रचयिता कौन है? हेमचंद्राचार्य। निशीथ चूर्णी जिन दास गढ़ी द्वारा रचित है, ये का निर्माण किसके समय हुआ था? सिद्धराज जयसिंह के समय 1100 ईस्वी में। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? जौनपुर। कल्पसूत्र की कौन सी प्रति सर्वश्रेष्ठ है तथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है? जौनपुर के बादशाह शाह सरकी के समय चित्रित 1467 ईस्वी की प्रति, जो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के किस कला केंद्र से की जाती थी? सिराज। किस ग्रंथ में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं? बाल गोपाल स्तुति, रतिरहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशीथ चूर्णी, कथा सरित सागर, गीत गोविंद, मार्कंडेय पुराण। वसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। वसंत विलास में कितने चित्र हैं? 79 चित्र हैं। कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो श्री मेहता को गुजरात से मिली। वसंत विलास, लिपिकाल 1451 ईस्वी। वह कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वसंत विलास किस पर चित्रित है? कपड़े पर। किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से काली स्याही से बनाया गया है? अपभ्रंश शैली। पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की रेखा वाह किससे बनी है? काली स्याही या कलम से। लौर चंद्रा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद। अपभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं भाव शून्य। जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है? प्राथमिक रंगों की। जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण कैसा है? अस्वाभाविक।
पट चित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया जाता है? गौड़ शैली। जैन शैली से प्राप्त चौर पंचासिका के चित्रों में क्या चित्रित है? विल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला। जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किस विद्वान ने दिया? स्वर्गीय राय कृष्णदास ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैन शैली को उन्होंने अपभ्रंश शैली कहा था, राय कृष्णदास ने। जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या है? ताड़पत्र कागज, ताड़पत्र कपड़ा, कागज तथा भित्तिचित्र। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, किस किस पर जैन शैली के चित्र बने हैं? ताड़पत्र पर, कपड़े पर, कागज पर, भित्ति पर। पाक शास्त्र का ग्रंथ न्यामत नामा किसके राज्यकाल में लिखा गया? गयासुद्दीन खिलजी, 1469 से 1500 ईस्वी के समय में। जैन शैली का आरंभ एवं विकास हुआ 1100 से 1500 ईस्वी तक। जैन शैली की खोज किसने की? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। सन 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में कल्पसूत्र की सचित्र प्रति किसने खोजी? आनंद कुमार स्वामी ने। रति रहस्य एवं कामसूत्र सूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र किस शैली में सर्वप्रथम बनाए गए? जैन शैली। किस शैली की रेखा कोणात्मक लिए है? जैन शैली। किस शैली की रेखाएं ज्यामिति आकार की हैं? जैन शैली। अपभ्रंश शैली को किस रूप में जानते हैं? बिगड़ी हुई कला के रूप में। जैन जैन कला का एक नाम और क्या है? गुज्जर कला। ये नाम पर्सी ब्राउन ने दिया था। पार्श्वनाथ की आकृति को किस रंग से बनाया गया है? नीला। नेमनाथ की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? काला। महावीर की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? पीला। ऋषभनाथ की आकृति को किस रंग से बनाया गया है? स्वर्ण। जैन शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता है अलंकारिकता। जैन शैली के चित्र ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठतः प्रसिद्ध है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की उत्तर प्रदेश में प्रति किसको और कहाँ से प्राप्त हुई? 1465 ईस्वी में जौनपुर में साराभाई माणिकलाल को मिली है। ये ग्रंथ कागज पर चित्रित है। वसंत विलास की एक प्रति और कहाँ से प्राप्त हुई है? अहमदाबाद से। ये सूती कपड़े पर चित्रित की गई है। जैन कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जौनपुर। अपभ्रंश शैली में किस रंग की प्रधानता है? सुनहरे रंग की, सोने के रंग की। जैन शैली में किस रंग की प्रधानता है? पीले रंग की भी। अपभ्रंश शैली को गुजराती शैली किसने कहा? श्री एन सी मेहता ने। कल्पसूत की प्राचीन प्रति कहाँ से और कब मिली? मांडू, मालवा से, 1439 ईस्वी में। अपभ्रंश शैली में किन रंगों की प्रमुखता है? लाल, नीला तथा स्वर्ण रंग। वसंत विलास किस शासक के समय का है? गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन के समय का। वसंत विलास कालिदास की किस महान काव्य रचना पर आधारित है? ऋतु संहार। अपभ्रंश शैली में किन दो वैष्णव ग्रंथों का निर्माण किया गया? मार्कंडे पुराण, दुर्गा सप्तशती। जैन शैली के चित्र किस संप्रदाय से संबंधित हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है? गहरी लाल। अपभ्रंश जैन शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान, मांडू, मालवा और जौनपुर। अपभ्रंश शैली के चित्र उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में है? भारत कला भवन, वाराणसी। अपभ्रंश जैन शैली के चित्र किस आकार में है? चौकोर। अपभ्रंश जैन शैली किस शैली में विलुप्त हुई? राजस्थानी शैली में। लय और गति का पूर्ण अभाव किस शैली में है? जैन शैली में। अपभ्रंश जैन शैली में किस शैली का प्रभाव है? ईरानी कला का। जैन शैली के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात से। कपड़े पर बने चित्रों को कहते हैं पटचित्र। कल्पसूत्र की कुल कितनी प्रतियां प्राप्त हैं? 5। वसंत विलास में किसका वर्णन है? वसंत आगमन और विशेष रूप से फाल्गुन मास का, फागुन के महीने का। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको जैन कला बता दिया है, तो आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंठस्थ करें, अच्छे से पढ़ें। दोस्तों जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप पढ़ते रहेंगे,
तो अच्छे से एग्जाम में सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों।